गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3 फ्रॉम चैप्टर 7 डिवाइड। तो आज हम करेंगे स्टूडेंट्स डिवाइड के सम। देखिए फर्स्ट सम 47 डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखना है, आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड कौन सा है और डिवाइज़र कौन सा है। डिविडेंड कहाँ पर आता है, डिविडेंड ऑलवेज सेंटर में आता है, ओके। और डिवाइज़र कहाँ आता है, बाहर। और क्वेश्चन जो आंसर होता है हमारा, एंड देन जो हमारा लास्ट में बचता है वह क्या होता है, रिमाइंडर। देखिए अब हम करेंगे सम 47 डिवाइडेड बाय 5। तो डिविडेंड कौन सा होता है हमारा, ग्रेटर नंबर। तो सेंटर में क्या आएगा, ग्रेटर नंबर 47। अब डिवाइजर कौन सा है हमारा, 5। अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल काउंट करेंगे, जहाँ पे हमारा 5 टेबल में 47 आता है या फिर 47 से कम आता है। तो फिर 5 5 ज़ा 45, क्या आएगा यहाँ पे, 5 5 ज़ा 45। अब देखिए 47 ग्रेटर है 45 से, अब क्या करेंगे हम इसे माइनस, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, 4 में से 4 गया 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 2। रिमाइंडर क्या है हमारा, 2। एंड क्वेश्चन 5, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, 28 डिवाइडेड बाय 4, क्या करेंगे हम, 28 को सेंटर में लिखेंगे, ग्रेटर नंबर, और डिवाइड करेंगे 4 के साथ। अब 4 के टेबल में 28 कितने नंबर पे आता है, 4 7 ज़ा 28 में से 8 को माइनस किया, अब इसके हम क्या करेंगे, माइनस, 8 में से 8 को माइनस किया 0, 2 में से 2 को माइनस किया 0, देन हमारा क्वेश्चन क्या आया, सॉरी रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या है हमारा, 0। एंड क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 58 डिवाइडेड बाय 6, क्या करेंगे, 58 को हम सेंटर में लिखेंगे एंड 6 को हम बाहर लिखेंगे। अब देखेंगे 6 के टेबल को हम काउंट करेंगे जहाँ पे हमारा 58 आएगा या फिर 58 से स्मॉलर नंबर। देखिए 6 9 ज़ा 54, क्योंकि 6 10 ज़ा 60 हो जाएगा, वो है 58 से ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 6 9 ज़ा 54। अब क्या करेंगे हम इसे, माइनस, 8 में से 4 को माइनस किया 4, 5 में से 5 गया 0, तो रिमाइंडर क्या है हमारा, 4। और क्वेश्चन 9, ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस हैं, आपने 9 के 9 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई आपने कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स